नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। नए साल को लेकर हर शहर में अलग अलग परंपराएं व आयोजन होते हैं। ऐसी ही एक परंपरा पीलीभीत में भी दशकों से चली आ रही है। शहर में स्थित पौराणिक गौरी शंकर मंदिर में नए साल के मौके पर बाबा की अदालत लगाई जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु अपनी अर्जियां लगाते हैं। दरअसल पीलीभीत शहर में देवहा नदी के नजदीक स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर की काफी अधिक मान्यता है। किसी भी त्योहार व नवाचार के मौके पर आसपास इलाकों से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान है। नए साल के मौके पर कई दशकों से शिवलिंग व गर्भगृह को अदालत की तर्ज पर सजाया जाता है। इस अनूठी अदालत में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं। मंदिर को अदालत के रूप में सजाने का यह रिवाज कई दशकों पुराना है। पीलीभीत शहर के व्यापारी उमेश चंद्र गोयल ने इस श्रृंगार परंपरा की शुरुआत की थी। भक्तों के बीच इस अदालत को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। गौरी शंकर मंदिर के महंत पंडित राहुल शर्मा ने बताया कि कई दशकों से नए साल के मौके पर बाबा की अदालत की तर्ज पर श्रृंगार किया जाता है। बाबा गौरी शंकर पीलीभीत के निवासियों के काफी आराध्य हैं। यही कारण है कि लोगों के बीच बाबा की अदालत की काफी मान्यता भी है। वहीं ऐसा माना जाता है कि इस अदालत में सबके साथ इंसाफ होता है। आपको बता दें, पीलीभीत के गौरी शंकर मंदिर में किसी भी त्योहार व विशेष मौके पर शिवलिंग व गर्भगृह को अनोखे अंदाज में सजाया जाता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को भी शिवलिंग का अलग अलग रूप में श्रृंगार किया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। अगर आप भी बाबा की अदालत में अर्जी लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पीलीभीत शहर पहुंचना होगा, जिसके बाद आपको गौरी शंकर मंदिर पहुंचना होगा, जहां आप बाबा की अदालत में अर्जी लगा सकते हैं।